हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी बेटी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये हमारे पास 3 मीटर कपड़ा है, 3 मीटर कपड़े में हम पटियाला सलवार बनाएंगे। तो देखिए, उसके लिए हमें कटिंग किस तरह से करनी है मैं आपको दिखाती हूँ। इस वीडियो में आपको पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाएंगे। इस तरह से पहले हमें कपड़े को डबल फोल्ड करना है। इस तरह से डबल फोल्ड के बाद इसको हम एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अब ऊपर से हम कपड़े को पहले हमारा बराबर कर लेंगे। हम देखिए, जितनी भी हमारी लेंथ है उससे हम 5 इंच कम लेंगे, क्योंकि 5 इंच का हम ऊपर से बेल्ट लगाएंगे। तो हमारे सलवार की लेंथ है 42, तो उसमें हम 5 इंच ऊपर निकाल देंगे। तो देखिए, 5 इंच ऊपर छोड़ देंगे और 42 इंच पे निशान लगा लेंगे। और 42 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसको हम यहाँ से स्ट्रेट कट कर लेंगे। तो जितनी भी आपकी टोटल लेंथ है उससे आप 5 इंच कम कर दीजिएगा। अभी जो जॉइंट है उस हिस्से को हम अलग कर देंगे। अब इसमें हमारे जो बॉटम वाली साइड है उसके निशान लगाएंगे। तो हमें जो हमारे पोंचे रखने हैं वो रखने हैं 6.5 इंच के, उसमें 1 इंच हम मार्जिन लेंगे, यानी टोटल रखेंगे 7.5 इंच, यानी 7.5 इंच का निशान लगा के हम उसको इस तरह से अच्छा कर देंगे। तो ये हमारे पोंचे वाली साइड हो जाएगी और ये साइड हम ऊपर से बेल्ट की साइड से जॉइंट करेंगे ऊपर की तरफ। अब चाहो तो पूरे 7.5 इंच नीचे लिया है, हम पूरा वो भी ले सकते थे, लेकिन ये हम पटियाला सलवार बना रहे हैं इसमें धीरे ज़्यादा की जरूरत है, इसलिए मैंने नीचे से इसकी चौड़ाई कम रखी है और ऊपर से पूरा कपड़ा लिया है। अब इसके हम कटिंग करेंगे कलियों की, जिसके 4 पल्ले जो पलियाँ होती हैं उनकी कटिंग करेंगे। अब इसमें से बचे कपड़े में हम पहले हमारा बेल्ट निकालेंगे। तो इसको हम तरह से डबल फोल्ड करेंगे, देखेंगे हमारा कितना आ रहा है। तो ये हमारा है 21 इंच और मुझे भी 21 इंच ही चाहिए, यानी मेरा बेल्ट है जो 42 इंच का है उसका हाफ करेंगे 21 इंच आएगा। अगर आपका कम ज़्यादा इंच का है, जैसे 23 है, 25 है, 26 है, तो आप इसमें और कपड़ा जॉइंट कर लीजिए। अब इसमें हम जित 5 इंच हमारा तैयार था, इसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो ये हम लेंगे 7.5 इंच। तो इस तरह से हम पूरे में 7.5 इंच के निशान लगा लेंगे। अब इसको हम सीधा कट कर देंगे। अगर आपका बेल्ट कम पड़ता है तो इसमें यहाँ पे वो कपड़ा ज्वाइन कर दीजिए। अब हम बचे हुए कपड़े से हमारी कलियाँ निकालेंगे। तो इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके इसको इस तरह से रखेंगे। आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप इसको इसी तरह भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास कपड़ा कम है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको ऐसे रखूँगी, क्योंकि मेरी सलवार की लंबाई बहुत ज़्यादा थी। अगर आपकी सलवार की लंबाई कम है तो आपके पास कपड़ा ज़्यादा होगा, तो आप उसको वैसे भी रख सकते हो। मैं इसको इस तरह से डबल रखा। अब हम इस पर कलियों के निशान लगाएंगे। तो इसको देखिए, जितने हमारी 5 इंच की डिजाइन हमने कम करके जितने हमने पल्ले लगाए थे वही मेजरमेंट हम कलियों के लिए लगाएंगे। तो देखिए, हमने 5 इंच कम करके लगाया था 42 इंच पे निशान, निशान लगाएंगे 42 इंच पे इस तरह से। अब जो दूसरा निशान लगाएंगे वो हम उस साइड से 42 इंच पे वहाँ पे करेंगे, यानी एक निशान में यहाँ से 42 इंच लिया है, दूसरी साइड पर हम यहाँ से 42 इंच लेंगे। तो उसके लिए देखिए, तो देखिए यहाँ से हम वही 5 इंच पहले कम करेंगे, ऊपर से 5 इंच लेस कर देंगे और फिर हम 42 इंच पे निशान लगाएंगे। ध्यान रहे, एक बार इस तरह से 42 इंच लेना है, दूसरी बार हमें सामने वाली साइड से 42 इंच लेना है, यानी हमें दोनों निशान जो लगाने हैं वो एक दूसरे के अपोजिट लगाने हैं,
अगर आप सेम साइज से लगाएंगे तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो करके इसको इस तरह रखेंगे और उस निशान से इसको मैच कर देंगे पीछे, और इसको हम बीच बीच से कट कर देंगे। अब आप सोच लेंगे जो कपड़ा बचा हुआ है इसका हमें क्या करना है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए जो ये जो कपड़ा हमारा आरा का कपड़ा ज्यादा है तो आप ये 9 इंच लीजिएगा, बाकी बचा कपड़ा कट कर दीजिएगा 9 इंच इस साइड पे और 9 इंच हम सामने वाले साइड पे लेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कमी कपड़ा था तो मैं इसीलिए मैंने उसको मेजरमेंट नहीं किया है, उसका मैं मेजरमेंट अब करके दिखाऊंगी आपको कि वो मैंने किस लिए छोड़ा है। तो देखिए इसको हम ऐसे इक्वली रख दिया हमने। अभी जो हमारा कपड़ा था अब इसका मेजरमेंट लगाना है, तो यहाँ पे हमें शीट का निशान लगा रहे हैं जिसको हम आसन बोलते हैं, तो मैं इसका निशान ले रही हूँ 9 इंच पे। मोस्टली निशान हमारा 9 इंच पे 10 इंच पे ही आता है। अब इन कलियों को हम इक्वल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जॉइंट का टाइम बहुत ऐसा होता है कि कलियाँ छोटी या बड़ी हो जाती है सिलाई कटे टाइम, तो वो प्रॉब्लम ना, इसलिए हम इसको ऐसे बराबर कर लेते हैं पहले ही। और ये कटिंग के टाइम छोटी बड़ी किसी की भी जाती है, तो आपसे से कलियाँ छोटी बड़ी हो जाती है उसको आप इस तरह से कट कर दीजिएगा। अब आप सोच रहे हो जब आप नॉर्मली कलियाँ काटते हो तो नीचे उसमें दो से ढाई इंच का इस तरह से निशान होता है, वो क्यों नहीं है, मेरी कलियाँ ऐसे एकदम सीधी क्यों है। सबका अपना अपना तरीका होता है कटिंग करने का, मैंने अलग तरीके से कटिंग की है, एक बार आप भी इस तरह से कटिंग करके देखिएगा। और ऐसे कलियाँ जब जॉइंट करता है तो ऐसे सीधे से जॉइंट हो जाएंगी, हमें यहाँ से वो 2 इंच जो एक्स्ट्रा लेते हैं हमें वो लेने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगा। देखिए अब इसकी हम सिलाई बताएंगे आपको, उसके लिए हमें क्या करना है, जो बीच वाला पल्ला था हमारा ये देखिए, जो नीचे से चौड़ाई कम थी जिसकी, जो बीच के लिए हमें स्ट्रेट पल्ले कट किए थे उनको उसको लेना है एक पल्ले को, और उसके ऊपर ये देखिए जो स्ट्रेट वाली साइड है इसकी, और ये जो सीट वाली साइड है ये हमारी सामने की साइड आंची जो हमने आसन का लिए कट किया था, तो इसको हम यहाँ से इस तरह से जॉइंट कर देंगे। और इसी तरह से हम इसका दूसरा पार्ट भी दूसरी साइड पर जॉइंट कर देंगे, इस साइड पर देखिए यहाँ पे ऐसे जॉइंट कर देंगे, और इसकी सीट भी सामने की तरफ आनी चाहिए और इसकी दोनों साइडें सीधी तरफ होनी चाहिए, तो मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए हमने हमारी सिलाइयाँ जॉइंट कर ली हैं, इसकी सीट इस साइड पर आएगी और इस वाले की सीट आएगी वो हमारी इस साइड पर आएगी। इसी तरह से हमने हमारे दूसरे पल्ले को भी जॉइंट कर लिया है, अब हम इन दोनों की सीट को हम आपस में जॉइंट कर देंगे। तो देखिए ये सिलाई से ऐसे सिलाई रखेंगे, ये जो सीट है हमारी इस तरह से इस पर डबल सिलाई लगा देंगे, और इसी तरह से हम सामने वाली साइड पे भी डबल सिलाई यहाँ से लगा देंगे, तो इन पर हम दोनों साइड से पहले सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सीट जॉइंट कर ली है, अब हमें कौन सी साइड से एक सीट को लेना है जो हमने जॉइंट की है, और इसे पीछे की तरफ इस तरह से आईडी से दो प्लेट बना देनी है। जो पीछे वाला साइड होता है इस पर हम सिर्फ दो ही प्लेट बनाते हैं, तो देखिए इस तरह से हमें आईडी से हमें ये दो प्लेट बना देनी है, ना ही बहुत छोटी बनानी है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी बनानी है, और इसी तरह से एक इसके सामने टोटली हमें दो प्लेट बनानी है, इस साइड पे एक और एक इस साइड पे एक। देखिए सिलाई से एक दूसरी तरफ पे और एक दूसरी तरफ पे। अब इसको हम साइड रख देंगे, फिर हमारा बेल्ट तैयार करेंगे। जैसे बेल्ट हम नॉर्मली वैसे ही तैयार करेंगे जैसे हम तैयार करते हैं, तो इसका हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। अच्छा देखिए ये हमारा बेल्ट बन के रेडी है, इसे मैंने जॉइंट लगाया है क्योंकि हमारा कपड़ा बेल्ट के हिसाब से कम पड़ रहा था, तो आप मैंने जो कटिंग में आपको मेजरमेंट बताया है उस हिसाब से अपना बेल्ट ले लीजिएगा, और कम पड़े तो इस तरह से आप भी जॉइंट कर सकते हैं, दूसरा कपड़ा ये दिखाई नहीं देता है। तो ये हमारे यहाँ पे नेफा बना हुआ है, अब इसकी नेफे को हम इक्वली डिवाइड करके यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। ये कट हमारा पीछे की तरफ रहेगा और ये नेफा रहेगा हमारा फ्रंट साइड पर, तो इससे हमारा पता चल जाएगा हमारे बैक साइड कौन सी और फ्रंट साइड कौन सी है। तो इससे हमारा बेल्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। अब हमें जहाँ से हमारा नेफा बना हुआ है वहाँ से निशान लगाना है 10.5 इंच पे। तो देखिए यहाँ से हमें लेना है, यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगाना है,
अब चाहें तो कट भी लगा सकते हैं। तो देखिए दोनों साइड पे निशान लगा लेना है हमें, चाहो तो इस तरह से छोटा सा कट भी लगा सकते हो। तो देखिए इस तरह से अब हमें क्या करना है, जो हमने सलवार में हमारे पीछे की तरफ से दो प्लेटें बनाई थी उस पर हमें वहाँ से हमें इस पर अटैच करना है इस कपड़े को, हमारे बेल्ट को। तो देखिए यहाँ से मैंने दो प्लेटें लगाई थी और यहाँ पे ये हमारा बैक साइड वाला कट है। ये देखिए ये जो है छोटा सा कट लगाया है, तो इस कट को हमें यहाँ पे सेंटर में रखना है, इस तरह से हमें सेंटर में रखना है और हमें सिलाई लगानी है। ये जो हम सिलाई लगा के लाएंगे ये हमारे इस वाले कट तक हमें लगा के लानी है। तो देखिए पहले मैं एक साइड के लगा रही हूँ, देखिए इस कट तक मैंने हमारी सिलाई लगा ली है। तो अब हमें हमारे सेंटर पॉइंट से ही दूसरी साइड पर सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ से हम अब इस साइड से भी हमारे जो हमारा कट है इस साइड पे यहाँ तक इस तक हम सिलाई वाली सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली हमारे कट तक। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा सेंटर पॉइंट है और ये मैंने इस साइड पे भी सिलाई लगा ली है। तो हमारे दोनों तरफ से सिलाई हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें सिलोटेटर डाली नहीं है, प्लेट्स बनाई नहीं है, उससे पहले ही मैंने बेल्ट क्यों लगा लिया है। अब देखिए जो बेल्ट का हमारा ये जो हिस्सा ओपन रह गया है इसमें हमें प्लेटें डालनी है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्लेटें हम पहले ही डाल देते हैं तो उससे हमारी प्रॉब्लम होती है, बार बार हमें प्लेटें खोलनी पड़ती हैं कि बेल्ट में इक्वली प्लेटें नहीं आ रही, कभी ज़्यादा हो रही कभी कम हो रही हैं। इस तरीके से क्या होगा, हमारा बेल्ट इक्वली बचा है दोनों साइड से और इससे प्लेटें बहुत ही सही से आ जाएंगी। और इसीलिए पंजाबी स्टाइल कहा था मैंने आपको, क्योंकि पंजाब में जब लोग प्लेट डालते हैं तो इसी तरह से डालते हैं और उनकी सलवार बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे डालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बेल्ट को हमें नीचे की तरफ रखना है और सलवार को ऊपर की तरफ, जो सलवार का कपड़ा है। तो देखिए इस तरह से हमें रखना है। अब हमें यहाँ पे सिलवटें डालनी स्टार्ट करनी है। तो पहली सिलवट हम यहाँ पे इस तरह से डालेंगे, एक इंच की लगभग होगी। तो जो हमारी प्लेटें डलेंगी वो हमारी बाहर की तरफ कितनी इंच की आ रही है वो दिक्कत नहीं करेगा, जैसे दो से आ रही है, ढाई आ रही है, लेकिन अंदर की तरफ हमें प्लेटें इक्वल लगानी है। तो अंदर की तरफ प्लेटें लगाने के लिए इक्वली हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए हमने पहले वाली प्लेट बना ली है, अब दूसरी प्लेट के लिए हमें जो गैप रखना है वो रखना है एक फिंगर का। तो देखिए हमारी पहली प्लेट है, इससे हमें एक फिंगर रखेंगे और इस तरह से हमारी प्लेट बना लेंगे जहाँ तक हमारी सुई की निडल है। फिर हम थोड़ा सा हमारी मशीन को चलाएँगे और फिर हम फिर से दूसरी प्लेट बनाएँगे, उसके लिए हमें जहाँ से प्लेट है वहाँ से हम एक फिंगर रखेंगे और इस तरह से हमारी बना लेंगे। तो ये जो हमारी प्लेटें रहेंगी वो हमारी आएंगी दो से ढाई इंच के बीच की आएंगी, सारी प्लेटें हमारी अंदर की तरफ दो से ढाई इंच की आएंगी यानी इस साइड पे, और अंदर की तरफ जो गैप रहेगा वो रहेगा सिर्फ एक फिंगर का। तो देखिए इस तरह से एक फिंगर रखी हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे। तो इसी तरह से हमें हमारी सारी प्लेटें डालनी हैं एक फिंगर के गैप से। ध्यान रहे बस हमें ये नहीं करना है कि इधर की तरफ सिर्फ हाफ इंच की ही प्लेट आए, तो इस तरह से इधर की प्लेट छोटी बड़ी होती रहेंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर की तरफ एक ही फिंगर का गैप आना चाहिए जिससे हमारी प्लेटें बिल्कुल इक्वल आएंगी।
तो देखिए मैं पीछे की तरफ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाते आ रही हूँ और इस साइड पे एक एक फिंगर का गैप में रखते हुए आ रही हूँ। तो देखिए इस तरफ से तो हमारी इस तरह से आएंगी और अंदर की तरफ से कैसे आएंगी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, जो हमारी सारी प्लेटें डल जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी लास्ट में आते आते कपड़ा कम बच रहा है और बैक तक जगह ज़्यादा बच रही है तो आप ये जो गैप है ये थोड़ा कम भी कर सकते हो। एक फिंगर वाला जो एक फिंगर वाला गैप है हमें वो कम नहीं करना है, ये जो बाहर की तरफ से गैप आ रहा है वो ज़्यादा कर सकते हो। जैसे प्लेटें छोटी बना सकते हो, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक छोटी प्लेट बनाकर एक फिंगर रखना और इस तरह से एक आप छोटी प्लेट बना सकते हो। और यहाँ तक हमें प्लेटें इस जॉइंट तक नहीं लगानी है, यहीं तक लगाने हैं, यानी इससे 2 इंच पहले तक ही हम प्लेट छोड़ देंगे क्योंकि इससे हमारी सलवार का लुक अच्छा आता है। तो हमें प्लेटें सिर्फ यहीं तक लगानी है, 2 इंच पहले तक ही। तो देखिए मैंने एक साइड की प्लेटें डाल ली हैं, मैं आपको सीधी तरफ इसको करके दिखाती हूँ। तो देखिए प्लेटें जो है हमारी पूरी इक्वल आई हैं, अंदर की तरफ से प्लेटें चाहे छोटी बड़ी हों लेकिन बाहर की तरफ से हमारी प्लेटें बिल्कुल इक्वली आई हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने 2 इंच पहले ही छोड़ दिया है क्योंकि बहुत आपने लिखा होगा आप जब ज़्यादा भारी सलवार बनाते हो तो पैरों में फंसती है, तो इससे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी साइड में 2 इंच पहले ही प्लेटें मैं डालनी बंद कर दूंगी। देखिए ये 2 प्लेट मैंने थोड़ी छोटी बनाई है और बाकी ये देखिए, लेकिन बाहर से प्लेट हमारी इक्वल आ रही है। तो इसी तरह से मैं दूसरी साइड की प्लेट भी डालूंगी। गारंटी की बात, आप इस तरीके से एक बार प्लेट डाल के ज़रूर देखिए, आप खुद ब खुद दोबारा इसी तरह से प्लेट डालेंगी। बस एक बार आप इस तरह से डाल के ट्राई ज़रूर करो, सबसे आसान तरीका है ये। अब हम इसके ऊपर से हमारी टॉप सिलाई लगा लेंगे। देखिए जो हम टॉप सिलाई लगाएंगे वो एक पैर का गैप हम रखेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से हमने प्लेटें डाल ली हैं, ये गैप हमने जानबूझ के छोड़ा है दोनों प्लेट्स में, और ये हमने हमारी यहाँ पे टॉप सिलाई भी लगा ली है। ये देखिए ये टॉप सिलाई हम इसलिए लगाते हैं कि अगर हम और लोग नहीं करवाएं तब भी हमारी जो सलवटें हैं वो निकलेंगी नहीं। ये देखिए इससे हमारी अच्छे से रुक जाती है, कपड़ा जो है खुसता नहीं है एंड छिटता नहीं है। अब हमारे पोंछे बनाएंगे हम, जो पोंछे बनाएंगे जो दूसरी सलवार में पोंछे बनाते हैं नॉर्मली वैसे हम इसमें भी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पोंछे बना लेंगे हम। तो देखिए ये हमने हमारे पोंछे बना के रेडी कर लिए हैं और फिर हमने पोंछे बनाने के बाद ये हमारी लास्ट वाली सिलाई भी लगा ली है। तो इसी तरह से आप भी अपनी पंजाबी सलवार बना सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।